सरकारों के बारे में भी। पहले भी हमारे क्राइसिस आया था सरकार, देखा आपने पॉलिटिकल क्राइसिस, आपको मालूम ही है 34 दिन तक हम लोग होटल में रहे थे, 34 दिन तक नए अनुभव होटल में रहने का। जो कभी 5 स्टार होटल में जाना पसंद नहीं करता है उसको 34 दिन रहना पड़ा, मुझे रहना पड़ा, रहे हम लोग। सरकार बच गई, सरकार बच गई। आपको मैं निवेदन करना चाहूँगा, सरकार तो बच गई, अब सरकार जो है दौड़ रही है, दौड़नी चाहिए। जो बजट पेश किया है ऐसा हिंदुस्तान में किसी सरकार ने नहीं किया होगा, ऐसा बजट पेश नहीं किया। बजट को लेकर अभी डिस्कशन हो रहा देश के अंदर, आंध्र प्रदेश में आगे गए, छत्तीसगढ़ के आगे गए, हमारे अधिकारी पूछ रहे भैया ओल्ड एज पेंशन लागू कर हमने कैसे कर दी, फला स्कीम कैसे आ गई। इतने नवाचार किए मैंने, 856 के आसपास में हमने घोषणाएं करी इस बजट के अंदर। आप अगर स्टडी करेंगे, आपका कुछ लोगों का एकेडमिक इंटरेस्ट होता होगा, आप उसको देखें, वास्तव इसमें रिसर्च करें कि क्या क्या इसमें किया हम लोगों ने, एक एक चीज का रिसर्च करके हम लोगों ने फैसले किए पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए किए। किसी वर्ग को छोड़े नहीं, SC ST OBC माइनॉरिटी, किसी वर्ग को नहीं छोड़ा हम लोगों ने, इतने शानदार फैसले किया। अब हमारे गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा, नेता प्रतिपक्ष और वो कह सकते हैं लागू कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा, तो मैंने जवाब दिया उनको, ये चिंता आप कर रहे हो, बजट पेश मैंने किया तो चिंता मुझे होनी चाहिए कि ये लागू कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा। मैं चिंता नहीं करो, लागू करके बताऊंगा, मैं ही मैंने वादा किया उनसे हाउस के अंदर। आपको मैं कहना चाहता हूँ उसमें आप मेरी मदद कीजिएगा, लागू करवाने में जब तक सरकारी कर्मचारी अधिकारी सब मिलकर लागू करवाएंगे पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, तब जाकर के वो लागू हो पाएगा। राज्य ने यह करना पड़ेगा, इतिहास बनेगा आपका कि वास्तव में इतना शानदार बजट, पिछला बजट भी शानदार था, पर ये ऐसा ओल्ड एज पेंशन ऐसी आ गई कि लोगों की डिमांड है वो चला गया, ये नया आ गया है।